₹500 का रेजिन का कीरिंग, रेजिन का बिजनेस, रेजिन टी कोस्टर इतना महंगा, रेजिन की वॉच 1000-2000 रुपए की। भाई ये रेजिन है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं, मिलता कहाँ है, बनता कैसे है, कहाँ से क्या सामान मंगवाऊँ, क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, ₹500 का कीरिंग बिकता है, इतने महंगे टी कोस्टर, 1000-2000 रुपए की वॉच। नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। Hi guys, welcome back to my channel. आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत टाइम बाद कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड होने वाली है। लास्ट टाइम जो मैंने रेजिन का व्लॉग निकाला था उस पर बहुत अच्छे व्यूज, कमेंट्स और लाइक आए थे, और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस और डाउट्स इतने सारे कमेंट्स में भरे हुए थे, तो मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने रेजिन बिजनेस का ये पार्ट टू वीडियो शूट किया है आप सबके लिए, कि आप डिटेल में जान पाओ व्हाट इज़ रेजिन, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जो मैंने इस बार सारा सामान मंगवाया ना, वो जिस साइट से मंगवाया, जिस वेबसाइट, जिस इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया है, वो है ये। और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उनको मैं टैग कर दूंगी, कमेंट में भी उनको टैग कर दूंगी। उनके पास रेजिन बनाने का A to Z सारा, जो हमें मोल्ड्स चाहिए होते हैं, कलर्स चाहिए होते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, जेन्युइन सामान मिलेगा, जेन्युइन प्राइस में मिलेगा। इनफैक्ट अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ों का आपको, आप श्योर नहीं होंगे अबाउट रेजिन, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैंने खुद बहुत सारा सामान लिया है। तो आपके सामने मैं बॉक्स को अनबॉक्स करती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या है, और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ रेजिन से, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए रेजिन की, और क्या क्या सेफ्टी आपको रखनी है, कितना टाइम लगता है सूखने में, और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, और आप कैसे अपना छोटा सा बिज़नेस घर पे बैठे हुए शुरू कर सकते हो रेजिन से। और ट्रस्ट मी गाइस, सच में काफ़ी लोगों ने बिज़नेस शुरू किया है। मेरी मामा जी की बेटी बहुत छोटी सी है, वो भी बहुत छोटी भी तो नहीं, 11th में है, वो मुझसे तो छोटी है ऑब्वियसली। उसने खुद इतने प्यारे प्यारे कस्टमाइज ईयरिंग्स बनाए हैं ना, और वो मुझे दिखा भी रही थी, और मैं लाइक लिटरली वाओ, ये तूने बनाए हैं, मतलब हाँ दीदी, और इतने सुंदर लग रहे थे ना, हो सके उससे मैं पिक्चर्स मांग के ना यहाँ लगा दूंगी वो पिक्चर्स, देखो वो 11th क्लास में पढ़ती हूँ, उसने इतने सुंदर ईयरिंग्स बनाया। आप ऐसे कुछ बनाकर इंस्टाग्राम पे पेज खोलकर या मीशो पे आप वो चीज़ें सेल कर सकते हो अपनी, और एक अच्छे खासे प्राइस पे, और अपनी एक छोटी सी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये व्लॉग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूर। तो चलो सबसे पहले मैं बॉक्स को अनबॉक्स करती हूँ। गाइज ये बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो जो हमें मोल्ड मिलता है वो एक वॉच बनाने के लिए मिलता है, ठीक है। ये पूरा सिलिकन का मोल्ड है, इसमें आप वॉच बना सकते हो, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, और ये आप कीरिंग बना सकते हो, सब में आपको यहाँ पर एक होल के लिए मिल जाएगा स्पेस, तो आप कस्टमाइज लोगों के कीरिंग बना सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। ये हार्ट शेप का कोस्टर है, टी कोस्टर, आप ज़रूरी नहीं टी कोस्टर की तरह यूज़ करो, आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें चीज़ें पिक्चर विक्चर लगा के सुंदर सा बना सकते हो, कि स्टैंड लगा के आपने इसको शो पीस, फोटो फ्रेम काइंड ऑफ भी, अप टू यू, आप कितना क्रिएटिव खेल सकते हो। और मैं दिखाती हूँ, मुझे मिले हैं ये गोल्ड फ्लेक्स, ये है गोल्ड फ्लेक्स, और मैं बता दूँगी इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ये दो मुझे स्पार्कल मिली हैं, और ये दो हैं हमारे पिगमेंट, जो एक है आइवरी कलर का, एक कॉफ़ी कलर का पिगमेंट है। और ये जो मैंने आपको बताया कि मुझे मिली है ये वॉच, अब वॉच को बनाने के लिए आपको जो चाहिए है पूरा इसका सिस्टम, इसकी सारी मशीनरी, और दिस, और ये की चेन्स के लिए, की रिंग्स के लिए कुछ ऐसे ये चेन मिली है। अब मेन पार्ट आता है हमारा रेजिन, ये है हमारी रेजिन की बॉटल। इस गाइस ये ब्रांड का नाम है रेजिन बाज़ार, तो आपको हर एक चीज़ों में ना उनका लोगो मिल जाएगा, सी रेजिन बाज़ार। रेजिन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन ए बी 1:2 कुछ भी आप बोलो, तो इनको एक पर्टिकुलर रेशो होता है, वैसे तो 2:1 का ही रेशो हो रहता है, कि अगर आपने यार हर एक रेजिन की बॉटल में उसमें ना रेशो लिखा हुआ होता है, लाइक 2:1 है या 3:1 है। तो जो ये वाली रेजिन बाज़ार से मुझे रेजिन मिला है, इसका जो रेशो है वो 3:1 है, आप देख सकते हो 3:1। तो ये बॉटल ए है, पार्ट ए, तो इसका मैं अगर 3 कप लूँगी, तो इस वाले पार्ट बी का मैं एक सिंगल कप लेने वाली हूँ। ऐसे करके हम इसको मिक्स करेंगे, और
जो भी हमें कलर चाहिए है वो हम कलर डालेंगे, और इसको सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। तो चलो पहले एक चीज़ डिसाइड करती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ, फिर उसको बनाते बनाते आपको मैं पूरा समझाऊंगी कि कैसे क्या बनता है। सबसे ज़रूरी तो आप जहाँ पे भी कुछ बनाने वाले हो रेजिन का, उसको नीचे आप कोई भी शीट बिछा लो या कुछ भी बिछा लो जो आपके यूज़ का नहीं हो, ख़राब हो, कोई भी ऐसे प्लास्टिक शीट, और ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, चश्मा वगैरह कुछ लगा लेना, वैसे तो मास्क भी लगाना चाहिए क्योंकि ये होता तो केमिकल से रिलेटेड ही है, केमिकल ही होता है एक तरीके का। और कोशिश करना कि जहाँ पे भी आप रेजिन का काम करो ना, तो वो रूम पूरा खुला रूम हो, लाइक वेंटिलेशन वहाँ अच्छी हो, यानी कि बंद एक एसी रूम हो। हमारा ये वाला रूम भी यहाँ पे 3 डोर है, तो तीनों डोर ओपन है, ऐसे बंद रूम में मैं रेजिन से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। और अपना जो मेरा थोड़ा पुराना रेजिन का सामान है तो मैंने वो भी निकाल लिया है, लाइक थोड़ी बहुत और स्पार्कल्स अगर मुझे ज़रूरत हुई तो, लाइक मैंने ऐसे पॉली में रख रखे थे अपने, और अलग कलर की फॉइल्स भी हैं मेरे पास, और थोड़े बहुत ऐसे पिगमेंट भी हैं अलग अलग कलर के, वो मैंने निकाल लिए हैं। कुछ आपको ऐसे प्लास्टिक कप्स की ज़रूरत होगी जिसमें आप मेजर करके अपना जो भी आपका लिक्विड हो रेजिन लिक्विड का मिक्सचर उसको मिला सको, तो कुछ कप्स चाहिए होंगे, और ये आपको मिलाने के लिए कुछ स्पून्स वगैरह इसकी नीड आपको पड़ सकती है। ये भी कुछ माइका के कलर्स ही हैं, तो मैंने बस अपना पुराना भी सामान निकाला इन केस मुझे कुछ कलर से खेलना पड़ा तो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ क्या बनाने वाले हो। गाइज मेरा मन बहुत टाइम से एक वॉच बनाने का था, तो हम चलो वॉच ही बनाते हैं। अब ये पूरा सिलिकॉन के मोल्ड में आपको दिख रहा होगा कि नंबर्स वगैरह भी पहले से ही बने हुए हैं इसमें, तो अगर मैं कोई भी एक कलर का लिक्विड इसमें डाल दूंगी तो वो सारा भर जाएगा, तो ये नंबर्स अलग से हाईलाइट नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ से ये उभरे हुए नंबर नहीं है। अगर यहाँ से उभरे हुए होते तो लाइक हम इसमें ऊपर से कुछ कलर या स्केच पेन चला देते तो अलग हो जाता। इसमें यहाँ पर ये अंदर ऐसे गड्ढों में है अगर आपको दिखे तो हमें इसमें पहले अंदर कलर फिल करना होगा अलग कलर का जिससे वो हाईलाइट हो। मैं जो घड़ी बनाना चाहती हूँ मैं उसका कलर देना चाहती हूँ ट्रांसपेरेंट और ब्लू कलर, या और क्योंकि ये इसके गोल्डन है तो गोल्डन कलर की मैं नंबर्स जो दूंगी वो गोल्डन कलर के दूंगी, और ब्लू कलर की वॉच मैं बनाऊंगी। तो चलो पहले हम इसमें अंदर फिल करते हैं, बताती हूँ आप क्या क्या कैसे कैसे ऑप्शंस में क्या चीज़ें फिल कर सकते हो। गाइज मैंने ना सर्च किया था अमेजोन पे एक गोल्डन मार्कर जिसके ऊपर आप रेजिन के ऊपर मतलब आप लिख सकते हो, वो जो परमानेंट मार्कर हो, तो ये मार्कर मुझे रिसीव हुआ था, ये मैंने ऑर्डर किया था। इसमें कुछ आपको ऐसे आवाज़ आएगी जैसे आपको क्या होता था वो व्हाइटनर में आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसके टिप मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसी गोल्डन कलर की टिप है, इसकी टिप बिल्कुल वैसे वर्क करती है जैसे एक हमारा व्हाइटनर की टिप वर्क करती थी। जितना आप ऐसे करोगे उतना लिक्विड बनेगा, और आगे इसे प्रेस भी होगी और लिक्विड निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक फ्लो में लिक्विड निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं इस मार्कर से जितना भी ये अंदर वाला चीज़ है ना इस सिलिकॉन मोल्ड में, उसमें हम अंदर इस गोल्डन मार्कर से फिल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है जो भी हमारे पास ये पिगमेंट है ना, जैसे इन्होंने हमें ये दो पिगमेंट दिए थे, इन्होंने दिया था हमें आइवरी और ये कॉफ़ी, ये वाले पिगमेंट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, रेजिन बाज़ार वाले पिगमेंट है ये ना ऐसे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं मेरे जो कलर जो मुझे देना है तो उस पर ये मैच नहीं होंगे, तो ये वाला गोल्डन ऐसे पिगमेंट मिल जाते हैं, ये इनके यहाँ पे भी है रेजिन बाज़ार में भी आपको ये वाले गोल्डन वाले ऐसे ड्राई पिगमेंट्स मिल जाएंगे। ये वाले पिगमेंट को आप ले करना किसी भी ब्रश से या ईयरबड से, आप यहाँ वो पिगमेंट ऐसे रब करोगे ना पूरा, तो इसे अंदर पूरा वो गोल्डन पिगमेंट बिल्कुल लिटरली पॉलिश के जैसा फिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। गाइस देखो ये कुछ पाउडर जैसा होता है, आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, लाइक ईयरबड पे आपने लिया और लाइक सिलिकॉन मोल्ड पे आपको ऐसे ऐसे रब करना है तो वो गोल्डन कलर आ जाएगा। मैं किसी दूसरे सिलिकॉन मोल्ड पे करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मार्कर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, अच्छा गोल्डन देगा एज़ कम्पेयर टू दिस। मैं दोनों पहले किसी एक सिलिकॉन मोल्ड पे ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं इस पे वो ट्राई करूँगी। देखो अब मैंने पहले इसमें गोल्डन कलर लिया और मैंने ऐसे रब करना शुरू किया है, ये वाला कुछ ऐसा गोल्डन कलर आएगा और ये बहुत अच्छा खासा गोल्डन शाइन आ रहा है। वो आपको सिलिकॉन पे ऐसा रब हुआ हुआ है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छा खासा गोल्डन शाइन आ चुकी है, ठीक है। और अब मैं इस पेन का यूज़ दिखाऊं तो आप ऐसे देख सकते हो, सी डिफरेंस, ये ज़्यादा पॉप कर रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगी पहले और उसको ड्राई होने दूंगी और उसके बाद अपना सिलिकॉन उसके ऊपर डालूंगी।
अब मेरे को अभी भी बहुत कुछ डाउट हो रहा है, ऐसा ना हो कि ये कलर निकल के ही ना आए, ये मोल्ड में ही चिपक जाए, ये मोल्ड में चिपक जाए और सिलिकन बिल्कुल नॉर्मल निकले, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा खुरावाती दिमाग कह रहा है कि पहले ये कर और उसके ऊपर ये भी लगा दे और फिर उसके बाद कुछ करती हूँ मैं। तो हम यही करते हैं, पहले हम ये पेन यूज़ करते हैं। चलो क्विकली, A few minutes later. Guys, मैंने इसको पूरे इस गोल्डन वाले पेन से पूरा फिल कर दिया है और तब मुझे लगा फिल करते टाइम कि लाइक ये बहुत ज़्यादा जो इसका गड्ढा है ना वो अच्छा खासा है, इतना कि हम उसमें पर्टिकुलर कलर का रेजन भी डालते ना तो उस कलर का रेजन आ जाता, लेकिन फिर वही है उसको हमें छोड़ना पड़ता पूरे एक दिन के लिए कि हम दूसरा रेजन उसके ऊपर डालें। नहीं तो अगर मैंने यहाँ रेजन डाला और फिर मैंने बीच में भी रेजिन डाला तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैंने पूरा इसको गोल्डन कलर से फिल कर दिया है, जो ये हमारा गोल्डन मार्कर था। अब हम अपना रेजिन बनाएंगे और वही 3:1 रेशो में एक दो लिक्विड बनाएंगे, एक हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, एक हम ब्लू कलर का बनाएंगे। बीच में डार्क ब्लू से वो ट्रांसपेरेंट पे जाएगा, मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंट की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखूँगी एज़ कम्पेयर टू ब्लू, क्योंकि मैंने एक बार ये वाला रेजन बनाया था इसमें मैंने बीच में ट्रांसपेरेंट रखा था, ये मेरा टी कोस्टर था, बीच में ट्रांसपेरेंट रखा था और साइड में ब्लैक रखा था, लेकिन मैंने बाद में जैसे जैसे ये सूखता गया तब मैंने नोटिस करा कि आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक ऐसे बीच में आता गया आता गया आता गया खुद ही, और लाइक लिटरली वो वाइट पे चढ़ गया। मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों हुआ, अगर आप बैक से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि लाइक मैंने जो लिक्विड पोर किया था वो मैंने किस हिसाब से किया था, लाइक सिर्फ साइडों में ब्लैक बीच में गोल्डन था लेकिन पूरा फ्रंट से वो ऐसे ही कवर हो गया। इसमें जो आपको बीच में ही हल्का हल्का गोल्डन दिख रहा है यही है वो गोल्डन फॉयल जो आप ट्रांसपेरेंट लिक्विड में मिक्स करके डाल सकते हो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो लिक्विड बनाते हैं। तो ये पार्ट ए है, इसके मैं 3 कप लूँगी और पार्ट बी का मैं 1 कप लूँगी। वो मुझे लगता है ज़्यादा ना हुई 3 कप, कुछ और भी बना लूँगी। सी ये कितना थिक है, मेरा कंटेनर तो छोटा पड़ जाएगा इस हिसाब से, मुझे अपना कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा। अब मेरे पास इससे छोटा कोई कंटेनर नहीं था तो ये वाला कंटेनर मैंने ले लिया है। मैं 2 कप ले चुकी हूँ, 3rd कप भी लेती हूँ, फिर 1 कप मैं लेती हूँ अपना बी वाले सॉल्यूशन का। मैंने अच्छे से पोंछ लिया है कि रेशो में गड़बड़ ना रहे। इसको मैं यूज़ कर लूँगी अभी जब कुछ हम कलर बनाएंगे कुछ मिलाएंगे। तो ये है मेरा 3rd कप, ये पूरे 3 कप पार्ट 1 रेजिन का मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं डालूँगी पार्ट 2 का। बहुत आराम से डाला है और बस इसको धीरे धीरे जितना हल्के हो सकता है उतना धीरे धीरे मुझे मिक्स करना है। इसको आपको 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर रख भी देना है मिक्स करने के बाद, जिससे जो भी थोड़े बहुत बबल्स हो वो सब सेटल डाउन हो जाए। मैंने जो लिक्विड बनाया है वो आप ऊपर से देख लो यहाँ पे कि एक में सबसे बड़ा वाला है जो ये ट्रांसपेरेंट है और 2 मैंने अलग अलग ले लिए हैं थोड़े थोड़े। एक में मैं ये ब्लू डार्क ब्लू कलर का पिगमेंट मिक्स करूँगी और एक में मैं स्काई ब्लू कलर का पिगमेंट मिक्स करूँगी। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि लाइक बीच में डार्क ब्लू हो और फिर साइड में लाइट ब्लू से पूरा वाइट पे ऐसा ओम्ब्रे काइंड ऑफ जाए। अब आई डोंट नो ऐसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो मैं पहले क्या करने वाली हूँ, चारों तरफ ना ट्रांसपेरेंट डालूंगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ अपने इस वाले एक्सपीरियंस से कि कैसा ब्लंडर हुआ था। तो मैं इस बार पहले चारों तरफ डालूंगी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट ज़्यादा चाहती हूँ और ब्लू बहुत थोड़ा चाहती हूँ। तो जो मैं ब्लू बना भी रही हूँ ना तो वो लिक्विड में बहुत थोड़ा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो चलो पहले दोनों लिक्विड बनाते हैं ब्लू वाले। ये बन गया हमारा ब्लू मेटलिक कलर। अब हम इसमें थोड़ा डार्क ब्लू मिक्स करेंगे। ये हमारा डार्क ब्लू रॉयल ब्लू जो कलर मुझे चाहिए था कि इस ब्लू से लाइट ब्लू होते हुए ट्रांसपेरेंट पूरा ओम्ब्रे वाला इफेक्ट आए। सी कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लू कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा ब्लू और डाल देंगे।
जितना ज़्यादा पिगमेंट डालोगे उतना रॉयल वाला कलर और वो टेक्सचर आएगा, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अभी। चलो अब इनको पोर करते हैं। गाइज ये तो मैंने पाउडर पिगमेंट यूज़ करे हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो लिक्विड ड्रॉपर वाले भी आते हैं जो ग्लास कलर्स होते हैं, आप वो भी डाल सकते हो और इसमें एक्रेलिक कलर्स भी मिक्स कर सकते हो। बस वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्लेंड होने में और इतना ज़्यादा फाइन प्यारा सा मेटालिक कलर आपको नहीं मिल पाएगा, तो इट्स बेटर कि आप पिगमेंट यूज़ करो तो बहुत सुंदर बना पाओगे। तो ये तो मेरे दोनों ब्लू कलर रेडी हो गए हैं, अब भगवान का नाम लेके मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि आई डोंट नो कि कैसा बनेगा ये। थोड़ा सा मैंने कप में निकाल लिया है और मैं इसके साथ पोर करने वाली हूँ। और अगर बबल्स अभी हैं इसमें, मुझे बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं, बबल्स हो भी तो एक ये वाला लाइटर है अपने पास, ठीक है, इसमें आप लॉक है अनलॉक कर सकते हो और इसमें आप अपना फ्लेम फिक्स कर सकते हो और ये इससे आप ऐसे ऐसे करोगे तो बबल्स भी चले जाते हैं। हे भगवान अच्छा बने, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और थोड़ा नीचे बैठ के बनाती हूँ मैं। गॉड धक धक हो रही है मेरे को, धक धक, क्योंकि ये बेकार हुआ तो मेरा पूरा रेजन वेस्ट जाएगा जो मैं नहीं चाहूँगी। स्पून अपने में, जय माता रानी। जैसा मैंने बोला था मैं साइडों से ट्रांसपेरेंट चाहती हूँ एंड सेंटर से डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू। अब ये थोड़ा बचा कुचा ब्लू भी मैं यहाँ पोर करूँगी। अब आई नीड स्ट्रॉ और थोड़ा सा भाई, मुझे नहीं पता ये यहाँ से तो सुंदर लग रहा है जैसा मैं चाहती थी वैसा बन के आ रहा है, लेकिन अब बैक से देखने में क्या दिख रहा होगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या ये वॉच बनेगी, लेकिन मैंने इसको पूरी मेहनत से बनाया है, आई होप बैक से देखने में ठीक आ रहा हो, इतना बुरा ना हो। गाइस मैंने तो इसको पूरी मेहनत से बनाया है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है, देखो कुछ ऐसी लग रही है ये। अब इसको 48 आवर्स यानी 2 दिन लगेंगे सूखने में, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब मैं आपसे नया तो 2 दिनों बाद मिलूँगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरा मिक्सचर बचा हुआ है, सॉरी जो थोड़ा बहुत मिक्सचर बचा हुआ है ना, तो उससे हम एक दो अल्फ़ाबेट बना लेते हैं कीरिंग वाले। आओ चलो बनाते हैं मिलके। अब इन ABCD वाले मोल्ड्स की बारी है, कीरिंग है, आप होता ना एक छल्ले में एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, कुछ फेदर्स डाल दिए, कुछ कुछ डाल दिया, तो कस्टमाइज़ कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। तो मैं कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाऊंगी, अब सब चीज़ों में ना मैं अलग अलग डालूंगी, लाइक किसी में मैं ये डालूंगी स्पार्कल, किसी में ये फ्लेक्स डालूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे बन के आएंगे। तो चलो पहले मैं बनाती हूँ अपने भाई का अल्फ़ाबेट N और इसको बनाऊंगी मैं ब्लू कलर का, क्योंकि मेरे पास ब्लू सामान बच गया है। चलो पहले थोड़ी सी स्पार्कल डाली जाए, और मेरे पास इनकी तरफ से रेजन बाज़ार की तरफ से जो स्पार्कल है वो ये वाले ब्लू कलर के है, मेरे पास थोड़े और ब्लू कलर के भी ऑप्शंस हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्लू के साथ खेला जाए, दो ब्लू कलर की स्पार्कल को मिक्स किया जाए। चलो मैं यही वाला ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ ये प्रॉपर मैच हो रहा है और इसकी क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी खासी लग रही है मुझे। तो N कहाँ हो तुम, अब देखो मैं कैसा बनाने वाली हूँ। ये है N, अब मैं इसके एक तरफ डालूंगी स्पार्कल और एक तरफ डालूंगी मैं ये ब्लू कलर और पूरा रखूंगी बीच में से ट्रांसपेरेंट। तो चलो पहले डालते हैं थोड़ी सी स्पार्कल, थोड़ा ओम्ब्रे लुक दे देंगे कि नीचे एक दो स्पार्कल है ऊपर ज़्यादा स्पार्कल है, ठीक है, इतनी बस स्पार्कल काफ़ी है। और एक तरफ हम डालेंगे हमारा बचा कुचा ब्लू कलर, बिल्कुल सावधानी से ब्लू, और पूरे में हम डाल देंगे अपना ट्रांसपेरेंट रेजिन। गाइस अब हम K अल्फ़ाबेट बनाते हैं और इसके चारों तरफ एंड में हम देंगे गोल्डन फॉयल और बीच में रहेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट K, ठीक है। तो मैं गोल्डन फॉयल के लिए आपको बताती हूँ करने के वाली हूँ, बहुत थोड़े से रेजिन में
अपना इतना सा रेजन है, आप देखो कितना जरा सा, लाइक इतना सा रेजन में गोल्डन फॉइल की एक लीफ लूँगी छोटी सी और इसमें डाल दूँगी। मेरे हाथ में ही बहुत सही चिपक गई होगी। और उसको आप मिला दो, उसको आप जैसे भी मिलाओगे ना रेजिन में, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी हो जाएगी वो। फिर ऐसा लगेगा पूरा सोने का वर्क होता है ना, ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी। ठीक है, सी बीच बीच में गोल्डन है। अब ये साइडों में डालूँगी और बीच में ट्रांसपेरेंट। गाइस मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि ऊपर टेबल ना बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रही है, तो मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ थोड़ा सा काम। बहुत थोड़ा थोड़ा सा लूँगी क्योंकि वहाँ जैसा मैं चाह रही हूँ ऐसा बन नहीं पा रहा है। देखो मैं कुछ ऐसा ही के चाहती थी, कुछ वैसा ही के बना है। गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, बचे कुछ रेजन से जितने भी ये बच्चे हैं ना अपना सॉल्यूशन में ख़त्म कर रही हूँ और ये बना रही हूँ। रैंडमली कुछ भी कलर मिक्स करके, कोई भी फॉयल कलर यूज़ करके मैं बस पोर कर रही हूँ। अब इनको सूखने में 1 से 2 दिन लगेंगे। मैं कुछ भी बहुत सारे बना रही हूँ, जैसे अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कॉपर और सिल्वर कलर मिक्स किया है अपने ट्रांसपेरेंट रेजिन में। मैं इसको यू में डाल रही हूँ, मतलब मैं रैंडमली किसी में भी डाले जा रही हूँ जो जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है। अब जब ये पूरे सूख जाएंगे मैं आपको तभी इनका पूरा दिखाऊंगी निकाल के कि कैसे लग रहे हैं। तब तक मैं सारे बनाती हूँ और आपको मैं मिलती हूँ फिर एक या दो दिन बाद, फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। तब तक मैंने कंप्लीट करी हूँ, तो चलो मिलते हैं 2 दिन बाद। Two days later, guys, I'm back. 2 दिन हो चुके हैं और गाइज ये रेजन इतना अच्छा था, मतलब ये पूरे 24 आवर्स में परफेक्टली मतलब सेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ें नहीं छेड़ी। मैंने ना बहुत कुछ बना लिया था और मतलब मैं पूरा रिकॉर्ड करती तो बहुत लंबी लंबी क्लिप्स हो जाती, तो मैंने सोचा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। पहले आप एक बार ऐसे व्यू ले लो कि मैंने क्या क्या बनाया है। सो इतना सब मैंने बनाया, वॉच तो आपने देख लिया था कि मैंने कैसे बनाई हैं। अब इन कोस्टर्स को मैंने बहुत ईजीली बनाया है। 2 कलर के मिक्सचर्स मैंने बना लिए थे, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट में। ये आधे में ब्लैक डाला, आधे में ये डाला, उसको मैंने छोड़ दिया। अब ये वाला कोस्टर मैंने कैसे बनाया था, मैंने सिर्फ साइडों में ऑरेंज डाला था और बीच में मेरा नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कलर था। अब ये मुझे रेजिन को यूज़ करते करते समझ आ रहा है कि जो आप बनाते हो उसके बाद ना रेजिन अपने आप ही एक फॉर्म लेता है, जहां उसके पार्टिकल्स फैलने होते उस तरह से फैलते हैं। अब देखो मैंने साइडों में ऑरेंज डाला था, जैसे जैसे ये ड्राई होता गया वो ऑटोमेटिकली बीच में आता गया सारा ऑरेंज, और इसने खुद से ही ये फॉर्मेशन ले लिया। मैंने खुद नहीं बनाया है। और एक मैंने ट्राई किया इस पे, अब आपको लगेगा कि बहुत अलग है ये कैसे है। मैंने इस पे क्या ट्राई करा, मैं इसको पहले आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा बना है रेजिन का मोल्ड। मेरा कोस्टर ऐसा बना है, ये इसका मोल्ड था। जो भी ड्राई पिगमेंट्स थे ना पहले, मैंने ब्रश से ना इस पे वो ऐसे से कलर कर लिए, जैसे नॉर्मल हम कलर करते हैं ना बुक के ऊपर, तो मैंने वो ड्राई पाउडर्ड पिगमेंट कलर से ब्रश से इसमें पेंट करके पूरा इसमें कलर भर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन इसमें डाल दिया और सुखा दिया, और वो सारा का सारा जो मैंने पेंट किया था ना वो देखो आपको इसमें शेड में दिखेगा। लाइक यहाँ ऑरेंज है, यहाँ मैंने ग्रीन किया था, बीच में मैंने पर्पल किया था, बीच में मैंने यहाँ पिंक किया था, तो ये वो रेडी हो गया है मेरा और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जो ये वाला है इसको मैं आपको निकाल के दिखाऊं, और कितने प्यार तरीके से प्यार से निकल गया। देखो ये वाला रेजिन का टी कोस्टर ऐसा बना और ये बहुत अच्छे से सूख गया, आप देख सकते हो। मुझे रेजिन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से रेजिन मंगवाऊँ, ये सारा सामान मैं एक जगह से कहाँ से मंगवाऊँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब कुछ मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पूरी मिल जाएगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड GA10 यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर कर रहे होंगे। तो आपको सारी डिटेल्स भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। और अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस हो कि हाँ आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी और कुछ बिजनेस, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है आजकल। चलो मैं एक एक आपको निकाल के दिखाती हूँ मोल्ड से। सी ये कितना प्यारा हार्ट बन के आया है,
नीचे ब्लैक और ऊपर ये गोल्डन, और मैंने वो पे वो जो फ्लेक्स थी गोल्डन फ्लेक्स वो डाली हैं। किस भी कलर का कोई फोटो लगा के भी आप बना सकते हो। तो ये तो मेरे 3 कोस्टर्स हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेंडेंट सेट। अब इसको मैं निकालती हूँ। इसमें मैंने साइडों में ब्लैक, बीच में गोल्डन किया था। इसमें मैंने पूरा ब्लैक कलर का बनाया। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसकी चेन्स बना सकते हो आप, या नेक पे पेंडेंट की तरह बना सकते हो। ये वाला मोल्ड भी मुझे उनसे ही मिला था। ये इतना सुंदर मोल्ड था। बहुत बड़े बड़े अल्फ़ाबेट बना सकते हो आप। नंबर्स भी इसमें सारे थे, आप देख सकते हो। मैंने हर एक अल्फ़ाबेट में अलग अलग चीज़ करने की कोशिश की थी। पास से अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट भरा है, ऊपर कोई अलग कलर है। इसमें मैंने एंड्स में कलर दिया है, बीच में ट्रांसपेरेंट और फ्लेक दिया है। इसमें मैंने स्पार्कल पहले डाल दी थी नीचे, और आधे में उसी कलर की पिगमेंट वाला कलर मिक्स करके यहाँ डाल दिया था, जिससे वो मिक्स एंड मैच हो। इसमें भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पूरी पहले स्पार्कल भर दी और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन डाल दिया। इसमें देखो आप, मैंने पूरी सिल्वर फ्लेक्स भर दी हैं। इसमें मैंने ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बो दे दिया है। इसमें मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट में गोल्डन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया है। यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट और ब्लैक का कॉम्बो दिया है। यहाँ पे मैंने ऊपर आपको स्पार्कल दे दिया है, फिर ट्रांसपेरेंट है तो नीचे स्पार्कल वाला सेम कलर दे दिया है। अब ये जो आपको एक्स दिखेगा ना, ये थोड़ा 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 जो कलर बच गया था ना, वो मैंने इस एक्स में डाल दिया था। तो ये बहुत मल्टी कलर सा आया है। आप इस यू को देखो, इसमें कलर्स देखो कितने अच्छे हैं। आर में देखो, आर में मैंने ब्लैक और ट्रांसपेरेंट का ग्रेश का कॉम्बो दिया, लेकिन साथ में मैंने वो भी डाले हैं, फॉइल पेपर भी डाले हैं। एल में भी देखो, मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट स्पार्कल डाली है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब मैं एक एक को निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत सेटिस्फाइंग है इनको निकालना। ये वाली लाइन में भी क्या था, जब मेरे कलर्स बच गए थे, रेजिन बच गया था, तो मैंने एक जैसा पोर कर दिया, जिससे मुझे यहाँ कुछ था नहीं। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ कितना सेटिस्फाइंग है इनको निकालना। सी रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स बहुत प्यार से निकल गए, बहुत सुंदर तरीके से निकले और बहुत परफेक्ट बने जैसे मैंने बनाए थे। अब मुझे इस डी से मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्या हुआ, जब मैंने इसको निकाला ना, आप देखो ये पूरा अभी भी गीला है। इसका या तो कुछ रेशो में गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से ये चिप चिप कर रहा है। तो ये डी मेरा वेस्ट हो गया है, मैं डी दोबारा बनाऊँगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप रेशो ले रहे हो वो आप परफेक्ट रेशो लो, क्योंकि ये भी पूरा एक 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 चीज़ वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक बूंद। अब ये है मेरी वॉच। इसको मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, मैंने पहले से साइड्स इसको ओपन ऐसे ऐसे करे थे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे जब मैंने किया था तो ये मेरी कुछ वॉच बन के आई थी। अब आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आपने कुछ रेजिन वेजिन का मटेरियल बनाया है ना, तो वहाँ पे डस्ट और कुछ ना आए। यहाँ पे आते ना कीड़ा गिर गया था, मतलब मैंने रात में देखा कि मैंने कहा शिट, कीड़े को भी यही मेरी रेजिन की वॉच पे आके मरना है। अगर आपको यहाँ दिखे तो यहाँ एक कीड़ा सा गिर गया था, फिर भी मैंने उसको निकाल दिया था। लेकिन आप देखो मेरे गोल्डन कलर के जो मुझे चाहिए थे डिजिट्स, वो पूरी आई हैं। बीच में से ब्लू, साइड में से पूरा ऐसे ट्रांसपेरेंट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ना, मैंने बहुत अलग तरीके से ब्लू पोर किया था, बहुत मिक्स किया था हाथ से, लेकिन जो इसको फॉर्म करना होता है ना, ये खुद वैसा ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तो मेरी बनी है वॉच। आई होप ये ठीक लग रही होगी आपको। मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ। इसके साथ जब आपको वॉच बनाने के लिए आपको मोल्ड तो मिलता है, लेकिन आपको पूरा ऐसे सब कुछ सेट भी मिलता है। तो वो अब आपको क्या है, पूरा लगाना होता है इस पर, तब आपकी वॉच पूरी तरीके से रेडी होगी, वॉल में टंगने लायक होगी। तो मैं भी ये पूरा इसका सिस्टम जो है, जैसे भी होता है, वो पूरा लगाती हूँ, जिससे ये पूरी रेडी हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो अब मैं आपको डायल लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लैक पार्ट, इसको सबसे लास्ट में आपको कर देना है, ठीक है। फिर बहुत केयरफुली इस होल से आपको ये वाली मशीन बाहर निकालनी है। उसके बाद इसको भी अच्छे से सिक्योर कर देना है। उसके बाद डायल्स लगाते हैं। सबसे पहले ये छोटी वाली, इसको लगाना है, और एक आपको अच्छे से उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद जो हमारी उससे बड़ी वाली है, उसको अपने रखना है, एंड प्रॉपर प्रेस आपको करना है।
आपको दिख जाएगा कि उस सिलिकन मोल्ड में भी ना तीन लेयर्स हैं, फिर लास्ट में ये वाला, इसको रखना है एंड अच्छे से प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आपका जैसे जैसे ये घूमेगा, टक 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 टक, अपने आप वो भी घूमती रहेगी, और ये तो आपका सेकंड्स का है ही, ठीक है। अब आप पीछे इसमें सेल लगाओ, और ये इसका बॉक्स है, इसको पूरा बॉक्स से फिक्स कर लो। गाइस मैं भूल गई थी मुझे ये भी लगाना, तो मैंने उसको पूरा खोला। अब मैं पहले ये इसमें से लगा देती हूँ, जिससे मुझे बाद में ना मैं भूलूँ। 100 बार भूल चुकी हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैं भूले ही जा रही हूँ। यार क्या हो रहा है गरिमा, ऐसे लगाना है ये, ठीक है। इसके बाद हम इसको पहले मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ये इसमें से निकालेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है गाइस। फिर ये लगाएंगे, पहले मैं देख लूँ इस बार मैं ठीक लगा रही हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। अगेन इनको लगाऊँ, अब आप समझ ही गए हो कितना बार प्रेस करना है। एंड यस, आपकी रेजन की वॉच रेडी है, रेजन वॉच रेडी है। अब आप इसको यहाँ से खोलो। उप्स, कैसे खुलता है, मैं नेल लंबे खोल के दिखाती हूँ। खोलो और वॉच सेल डालो, और आप वॉच लगा लो। टडा, मैं और भी बनाऊंगी, ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर की। मेरा बड़ा मन कर रहा है अब बनाने का रेजन वॉच, लेकिन ये मुझे काफ़ी सही लग रही है। अभी काफ़ी लूज़ है, ठीक है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी तो मैंने बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की रेजन वॉच बनाई है। आप चाहो तो डार्क कलर भी दे सकते हो, जिससे आपको पीछे का ब्लैक वाला ना दिखे, लेकिन काफ़ी सही लग रही है मुझे मेरी पहली वॉच। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आपने अगर मुझे आप फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, कैनवस पेंटिंग भी मैंने की हुई है। तो आप रेजिन से ना कैनवस पेंटिंग में पूरा एक ऐसा लेमिनेशन टाइप का भी कर सकते हो। मेरा काफ़ी सारा रेजिन बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं ट्राई करूँ। तो ऐसी पेंटिंग थी ये भी, मैंने अक्रैलिक कलर्स यूज़ करे थे, मैंने बचा कुचा रेजन इस पर डाला और मैं इसको रख के चली गई थी। आपको पीछे दिखेगा रेजन सारा एक तरफ बह गया था, तो आधी आधी जगह पे उतना शाइन नहीं आ पाया। बीच में से आप देख सकते हो कितना प्यारा ग्लॉसी इफेक्ट आया है। इस तरीके से भी आप अपना रेजन को यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये ऑरेंज टी कोस्टर बनाया, मैंने सेम ऐसा पर्पल भी बनाया था, ठीक है, कि साइडों में पहले मैंने पर्पल डाला और वो बीच में ऑटोमेटिक आ गया जैसे इसमें। तो ये मैंने दो मेरे हो गए टी कोस्टर्स, टी कोस्टर्स, ये भी एक टी कोस्टर है। तो मैं बहुत कुछ बना चुकी हूँ उतने बड़े रेजिन के डब्बे से, और अभी भी बहुत सारा रेजिन बचा भी है। अब मैं आपको कुछ एक आधे की रिंग भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। गाइस मेरी वॉच चल रही है, जितना अभी टाइम हो रहा है मैंने उतने ही उस पर बजाए, और क्या परफेक्ट लग रही है। अब मतलब ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, मुझे बताना आपको मेरा फर्स्ट ट्राई कैसा लगा। मैं डेफिनेटली कुछ और कलर्स के साथ, कुछ और मिक्स एंड मैच मैं पक्का करूँगी। और अब रही बात की रिंग्स की, मैं ये दिखाना चाहती थी कि लास्ट टाइम जब मैंने रेजिन से कुछ ना कुछ बनाया था, तो ना मैंने ऐसे ये की रिंग्स बना दिए थे, ठीक है। तो ये वाला पैकेट मैंने मंगवा लिया था कि मैं और भी की रिंग्स बनाऊँगी। और ये जो बच गया था ना रेजिन, तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बना दिए थे, कुछ भी बना दिया था, मतलब कि मेरा रेजन वेस्ट ना जाए, एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ बना दूं। तो छोटे वाले मोल्ड्स में मैंने ये सब बना दिया था। अब कोई भी अल्फ़ाबेट लेती हूँ, एम लेती हूँ, और डब्ल्यू ए तो एम का है, ये रहा एम। और उसमें मैं इसको अच्छे से लाइक डाल के, मेरे पास वो प्रॉपर टूल्स नहीं है, मेरे को ना मंगाने पड़ेंगे वो टूल्स। ये एम इसमें डाल के मैं प्रॉपर कीरिंग बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको, दो चार कीरिंग बना के ये इस पर डालूंगी, फिर ये इसमें डालूंगी, तो ऐसे ही कीरिंग बन जाएंगे। अब कीरिंग वाली ड्यूटी तो मैंने किसी और को दे दी है कि तब तक आप डालो। अब मैं दिखाती हूँ अब हम क्या कर सकते हैं। ये वाला जो पेन है जिससे हम इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं ना, मैं साइड में बिल्कुल ऐसे गोल्डन गोल्डन वो कर दूँगी, ठीक है, ऐसे पेंट, जिससे ना आपका साइड से रेजन ट्रांसपेरेंट ना दिखे और गोल्डन दिखे। मतलब ये अच्छा लगता है मेरे को, कि मतलब साइड से ऐसा दिखे तो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लगता है। तो आप टी कोस्टर्स में कर सकते हो, अगर आपने गोल्डन यूज़ करा है गोल्डन कर सकते हो। सी, ये कितना प्यारा लगेगा ऐसे पूरा गोल्डन गोल्डन। अभी के अल्फाबेट है इस पे मैं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से होता है, देखो।
देखो ये कुछ की रिंग्स बन के ऐसे तैयार हो गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैं तुरंत सारे की रिंग्स कम्प्लीट करके घर के बच्चों को गिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हमें ये की रिंग्स मिलेंगे। और ये पुराने की रिंग्स मैं दिखाई चुकी हूँ, नीचे बहुत कुछ फैला हुआ है, मैं तो लगने वाली हूँ काम पे। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी अबाउट रेजिन, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कहाँ से रेजिन लेना है, यहाँ से रेजिन लेना है। गाइस पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना GA10, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आपका बिल बजट 500 बिल बजट कह रही हूँ, अगर आपकी परचेजिंग 5,000 रुपये से ज़्यादा की जाती है तो ज़रूर शॉपिंग करना। वहाँ पे आपको बहुत कुछ वैरायटी का सामान मिल जाएगा, काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके के मोल्ड्स मिल जाएंगे। मैं कुछ ना कुछ ट्राई पक्का करने वाली हूँ, शॉर्ट्स मेरी पक्का आएंगी। और भी मुझे बताना आपको, अगर मेरी क्राफ्ट वीडियोस पसंद आ रही तो मैं और भी कुछ क्राफ्ट वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ क्राफ्ट करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप क्या देखना चाहते हो शॉर्ट्स में, मैं फिर वो ज़रूर बनाऊंगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस, लव यू।